हेलो, एक बार फिर हम निवेदा दी जी के प्रति तालियां बजाकर साधुवाद प्रकट करते हैं। उनके सुमधुर और रंजक गायन के लिए, उनके दोनों संगतिकारों के लिए और इस मीठे रसास्वादन के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। अब बस थोड़े से, बहुत छोटे से अंतराल के बाद श्री सचिन नेवपुरकर आएंगे यहाँ मंच पर, जो मेवाती घराने की गायकी का रंग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। श्री सचिन नेवपुरकर। चार घरानों की गायकी का ये अनुष्ठान अब मेवाती घराने का रंग लेकर आपसे मुखातिब होने जा रहा है। हमने शुरुआत आज बनारस से की। कल सवेरे के लिए भी बता देता हूँ, सुबह 9:30 बजे हम सुबह की सभाओं का आनंद लेंगे। दो सभाएं हैं सुबह जिनको सुनने का मौका हमें मिलेगा। श्री सचिन नेवपुरकर का ताल्लुक औरंगाबाद से रहा है और बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने शास्त्रीय संगीत, क्षमा करें एक मिनट में दरवाज़ा लगा लें, छोटी उम्र से उन्होंने शास्त्रीय संगीत के प्रति अपनी रुचि दिखाई। उनके पहले गुरु श्री विश्वनाथ दशरथ जी रहे हैं, जो एक म्यूज़िक स्कूल चलाते थे औरंगाबाद में, और उनके सानिध्य से सचिन जी को ये सौभाग्य मिला कि अखिल भारतीय गंधर्व मंडल की प्रतिस्पर्धी परीक्षा में वो 5 स्तर की परीक्षा जो होती है उसमें वो सफल रहे। इसके बाद सचिन जी सौभाग्यशाली रहे कि उन्हें श्री जगदीश गोड़से, पंडित नाथ नेरालकर जैसे गुरुजन मिलते गए, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के प्रति उनकी जो अभिरुचि है उसको समृद्ध किया। इस दौरान सचिन जी को मेवाती घराने के वरिष्ठ आचार्य संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी की गायकी के प्रति लगन और आकर्षण पैदा मन में हुआ और उन्हें रास्ता अपने आप मिला उस उनकी इच्छा के लिए, जब उन्हें मेवाती घराने की गायकी सीखने का सौभाग्य डॉक्टर शोभा अभ्यंकर जी से मिला। कॉमर्स ग्रेजुएट हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ औरंगाबाद से, और एमए इंग्लिश में भी उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से पूर्ण किया है, और ये शिक्षा उन्हें विदुषी शोभा अभ्यंकर जी के सानिध्य में मिली है। श्री जगदीश गोड़से जी से उन्हें मेवाती घराने की गायकी को और समझने का मौका मिला है, लेकिन साथ ही उन्हें वरिष्ठ गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी की गायकी से भी लगाव रहा है और उन्होंने उनको भी आत्मसात करने की कोशिश की है। नाट्य गीत, अभंग, भावगीत, हिंदी भक्ति संगीत आदि कई विधाओं में उनकी रुचि रही है, और वो सुगम संगीत के ऐसे कार्यक्रमों में भी शिरकत करते रहे हैं जिसमें पंडित शौनक अभिषेकी, पंडित विजय कोपरकर, श्रीमती अनुराधा मराठे, डॉक्टर सलिल कुलकर्णी, स्वप्निल बांदोड़कर और सुवर्णा माटेगांवकर जैसे लोकप्रिय कलाकारों की शिरकत रही है। तो ये तो मैंने आपको सचिन जी के बारे में बताया, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। आज हमें वो राग यमन सुनाने जा रहे हैं पहले, और उनके साथ आज हारमोनियम पर श्री उपकार गोडबोले, तबले पर श्री मुकेश रासगाया, तानपुरे पर वैभवी कुलकर्णी और शालू बैरागी संगत देंगी। मैं श्री अरविंद तिवारी जी और श्री सुभाष माथुर जी, आप दोनों से निवेदन करूंगा बारी बारी से। सुभाष भाई आप आ जाइए। सबसे पहले सचिन जी का, हमारे मुख्य कलाकार का स्वागत कीजिए एवं संगतिकारों का भी स्वागत कीजिए। श्री उपकार गोडबोले हारमोनियम पर और तबले पर श्री मुकेश
रास गाया। IPL के आकर्षण और विवाह समारोहों की व्यस्तताओं के बावजूद आप जैसे संगीत रसिक, किए 100-125 लोगों की कैपेसिटी वाला बड़ा इंटीमेट थिएटर, शास्त्रीय संगीत के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्र है, ये निसंदेह बहुत ही सुखद है। और मुझे उम्मीद है कि आज और कल सुबह की दोनों महफिलों में आप को आकर निश्चित ही तृप्ति मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। चार घरानों के चार प्रतिनिधि गायक हमको सुनने को मिलेंगे, तो आइए एक बार फिर से तालियों से हम मंच का स्वागत करते हैं और सचिन जी से सुनते हैं राग यमन। नमस्कार, उपस्थित सभी गुणी गायक, वादक, श्रोता और विद्यार्थीगण, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे बताया गया कि घराने के बारे में कुछ बात करनी है और फिर आपको गाना शुरू करना है, तो मेवाती घराने के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये इस गायकी में हमको जो तालीम दी जाती है तो उसमें जो फोकस होता है हमारा, वो बेसिकली राग का एक्सप्रेशन एक्सप्लोर करना, ये बेसिकली उसका थॉट प्रोसेस और जो भी आपको राग, इसलिए जो राग हम पेश कर रहे हैं उसमें वो लिबर्टी भी हो उतनी कि एक्सप्लोर करने का चांस भी हो, इसलिए जो राग मेवाती घराने में प्रेजेंट होते हैं पहले राग बड़े राग, तो वो सब मालकंस, यमन, बागेश्री, रागेश्री या पुरिया धनश्री, इस तरीके से पहले राग तो ये होते हैं। फिर कुछ फ्रेजिंग वाले राग भी गाए जाते हैं बाद में, बट पूरा फोकस इसी तरफ होता है कि एक्सप्रेशन राग का आप एक्सप्लोर करो, और ये करते हुए आप लिरिक्स के ऊपर भी इस घराने में काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जैसे बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, इसमें आप जो जोड़ रहती है वो अगर श्रृंगारिक रस से है बड़ा ख्याल है तो द्रुत भी उसका श्रृंगार रस ही आगे लेके जाएगा, इस तरीके से होता है। तो कोशिश करता हूँ राग यमन पेश करने की। नमस्कार, तानपुरे। ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी तालीम सिर्फ मेवाती घराने से नहीं हुई, जैसे उन्होंने भी कहा होगा, तो अलग अलग गायकों का गाना सुनने के बाद जो एक इन्फ्लुएंस होता है वो मेरी गायकी पर हुआ है, इसलिए मैं ये कहूँगा नहीं कि मेरी गायकी प्योरली मेवाती घराने से ही है। और मैं जो देख रहा हूँ अभी लास्ट 25 ईयर्स से, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल सभी गुरु लोग, सभी गुणीजन जब शिष्यों को तालीम देते हैं तो वो अपने घराने के साथ दूसरे घराने सुनने भी ज़रूर लगाते हैं सब गुरु। आज अभी ट्रेंड ये इतना रिजिडनेस पहले इतना रहा नहीं कि
कि शिष्यों को कहा जाता है कि आप हर तरीके का गाना सुनिए, हर घराने का गाना सुनिए, उसमें से जो चीज़ आपको अच्छी लगे या आपको गले में वो अच्छी दिख रही हो तो आप वो अडॉप्ट करें। तो ऐसे मेरी गायकी में भी हो सकता है। तो शुरू करता हूँ राग यमन प्रस्तुत करने की कोशिश कर। गेन बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा मॉनिटर। तानपुरे बाहर भी चाहिए और वॉइस भी। तानपुरे का लेवल अच्छा रखे। Yeah.
Yeah.